असलम नस्टरी क्लास आई होप यू ऑल आर फाइन सो लेट स्टार्ट अवर लेक्चर टुडे टेक आउट यूर इंग्लिश रीडिंग बुक विद मी यू नो वेरी वेल दैट वीच वन इज़ इंग्लिश रीडिंग बुक दिस वन और दिस वन दिस वन इज़ इंग्लिश रीडिंग बुक यानी इसी में से हम रीडिंग करते हैं और इसमें से हम राइट करते हैं सो लेट स्टार्ट ओवर लेक्चर विध रीडिंग टेक आउट योर इंग्लिश रीडिंग बुक क्विकली हारिये आप जल्दी से अच्छा अब आपने ओपन कर लिया है इसको इसको ओपन करें आपका है पेज नंबर फोर्टी एट ठीक है हमने आज कौन सा लेटर रीड करना है लेटर डब्ल्यू लेटर डब्ल्यू को याद है हमने इससे पिछले वाला कौन सा लेटर रीड किया था हमने इससे पीछे लेटर वी रीड किया था कौन सा लेटर था लेटर वी बिल्कुल इसी तरह से राइट करने में होता है लेटर W भी मीन्स के टू टाइम अगर हम वी को राइट करेंगे तो हमारे पास लेटर W बन जाएगा देखिए उन्होंने कहा भी है सीधा से द साउंड एंड ट्रेस द लेटर W ये हमारे पास लेटर W है इसको हम राइट कर लेते हैं ट्रेस कर लेते हैं अब मुझे बताएं कि इसकी साउंड क्या, क्या होती है उन्होंने कहा है सीधा साउंड साउंड क्या होती है डब्ल्यू की डब्ल्यू की साउंड होती है डब्ल्यू व व डब्ल्यू की क्या साउंड है वो जो भी वर्ड ऐसा भी आप कोई भी वर्ड बोलेंगे जिसकी स्टार्टिंग में साउंड वो आएगी यानी कि वो लेटर डब्ल्यू से स्टार्ट होता है लोअर के एस डब्ल्यू भी राइट कर लेते हैं ठीक है अब आपके पास यहाँ पे कुछ पिक्स हैं बताए किससे स्टार्ट हो रही है? बिगनिंग साउंड्स कौन सी हैं पढ़ के देखें चले रीड विद मी व वॉच वेरी गुड व वॉटरमेलन Nice. वेरी नाइस व वेल हम्म वॉटर वो वोल्फ वेरी गुड नर्सरी क्लास आपको तो रीड करना आ गया अब फिर से मुझे बताएं डब्ल्यू की क्या साउंड थी वो डब्ल्यू वो अच्छा अब नीचे वो कह रहे हैं सर्कल लेटर डब्ल्यू फ्रॉम द गिवन वर्ड्स उन्होंने आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं आपको पता है ना आप क्लास में भी इनको सर्कल करते होते थे तो बताएं इनमें से हमने क्या करना है कुछ लेटर्स हैं इन वर्ड्स में इनमें से हमने सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू वाले को सिर्फ डब्ल्यू को हमने सर्कल कर देना है यहाँ पे आपके पास शुरू में डब्ल्यू है तो उसको सर्कल कर दें यहाँ से भी, भी है, है। इसमें से कौन सा वाला डब्ल्यू है ये वाला डब्ल्यू है इनमें से कौन सा वाला डब्ल्यू है ये वाला नहीं ये तो ओ है ये तो हमने रीड किया हुआ है ये वाला W है अब हमने इनको सर्कल कर लिया अब हम करेंगे यहाँ पे इन पिक्स को सर्कल जो के W से स्टार्ट हो रही होंगी अच्छा मुझे बताएं यहाँ पे क्लाउड्स भी हैं स्काई भी है, है बर्ड्स भी है शिप भी है फ्लैग भी है कितनी सारी पिक्स हैं लेकिन हमने सिर्फ उसको सर्कल करना है जो कि लेटर W से स्टार्ट हो रही है अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेटर W से स्टार्ट हो रही हैं हम इसको बोल के देखेंगे मैंने आपको बताया था ना जो भी वर्ड व से स्टार्ट होगा मीन्स के वो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है बोल के देखे रीड विद मी क्लाउड क्लाउड इसके इस शुरू में तो साउंड ख आ रही है तो मीन्स की ये डब्ल्यू से स्टार्ट नहीं हो रहा उसके बाद आपके पास है वॉटर मेलन ये क्या है वो वॉटर मेलन ये इसकी साउंड शुरू में कौन सी आ रही है डब्ल्यू वाली साउंड आ रही है तो हम इसको सर्कल कर देंगे ओके okay? उसके बाद है फ्लैग इसके शुरू में तो साउंड आ रही है वो साउंड तो नहीं आ रही तो इसकी मतलब इसका मतलब ये डब्ल्यू से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसको सर्कल हमने नहीं करना उसके बाद अच्छा मुझे 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 यहाँ पे मिली है वॉच आप लोगों को नजर आई थी नहीं आई मुझे पता चल गया मुझे नजर आ गई है वॉच ये किसे स्टार्ट हो रही है बोल के देखिए वो वो वॉच वो W से स्टार्ट हो रही है इसको भी सर्कल कर देंगे ये वाली क्या है ये तो वेल है इसके शुरू में कौन सी साउंड आ रही है इसको रीड करके देखें वो वेल वो से स्टार्ट हो रहा है ये भी तो इसको भी हम प्यारा सा सर्कल कर देंगे ये थोड़ी सी बिग है तो इसको प्यारा सा सर्कल करना है आपने ओके उसके बाद यहाँ पे इतना सारा वाटर है वाटर तो वाटर तो बहुत ज्यादा है तो चले यहाँ पर अब हम वाटर को भी सर्कल कर लेते हैं वाटर कितना सारा है ना तो हम इस सारे को सर्कल नहीं कर सकते तो इसलिए अब हम जस्ट यहाँ पे सर्कल कर देंगे कि हमें पता चल गया है वाटर भी वॉ वा से स्टार्ट होता है वा वा वाटर ओके okay? अच्छा अब हमने इसको रीड करना तो सीख लिया है डब्ल्यू वा तो अब हम इसको राइट करना सीखते हैं सो लेट स्टार्ट ओवर इंग्लिश राइटिंग बुक आउट योर इंग्लिश राइटिंग बुक क्विकली ओके ओके क्लास ओपन पेज नंबर सेवेंटी थ्री सेवन थ्री सेवेंटी थ्री ठीक है अब हम देखेंगे कि हम इसको राइट कैसे करना है आपने यहाँ पर वी राइट किया था ना मैंने आपको रीड करते हुए बताया था कि हमने पहले वी रीड किया था वी उसके बाद अब हम राइट करेंगे डब्ल्यू अगर हम वी को टू टाइम राइट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा ये देखें वन वी एंड अदर वी क्या बन गया W इसके बाद अब हमने यहाँ पे अपर केस डब्ल्यू राइट करना है इसको अब हम थ्री राइट, थ्री लाइन्स में राइट करेंगे ठीक है वन V एंड अदर वी ठीक है ये हमारा कैपिटल W है W व उन्होंने नेक्स्ट कहा है आइडेंटिफाई एंड कलर द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग विद लेटर W अब यहाँ पर भी देख सकते हैं आपके पास टू ही ऑप्शन है यहाँ तो इनकी वॉइस देख लें या फिर यहाँ से आप लेटर्स देख लें जो डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं ठीक है वेल है इसमें आपने कलर करना है स्टार से स्टार्ट हो रहा है इसमें आपने कलर नहीं करना वो वो वुल्फ तो वुल्फ में भी कलर करना है ठीक है डन अब आपका आज का ये लेक्चर था सो टेक केयर ऑफ यल्फ अल्लाह